है, अगर मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो गुड मॉर्निंग दीदी, अगर 10 दीदी आपको एक साथ दिख जाती है तो 10 को बिल्कुल सर झुका के गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी ये करना होता है। एंड इसके बाद ही अगर 2 मिनट के बाद आप वापस लौटते हैं और वही 10 दीदियाँ आपको फिर से दिख जाती तो आपको फिर से गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा। वेल हे गाइस, ये साक्षी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल साक्षी स्विमिंग वर्ल्ड में स्वागत है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि कॉलेज में जो है रूल्स रेगुलेशंस कैसे होते हैं, हम लोगों को मतलब अपने पेरेंट्स से मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता है, या फिर हमें आउटिंग दी जाती है या नहीं। और काफ़ी लोगों को तो ये भी लगता है कि पूरे टाइम वहाँ पे सूट पहन के घूमना होता है, वो भी पटियाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉलेज पे तो हम लोग लोअर टी शर्ट पहन के घूमते हैं। इसके साथ हम हाँ गर्मियों के टाइम में शॉर्ट्स भी यूज़ कर लेते हैं, पर हाँ एक बार मैम ने डांटा था हाँ तो मैं क्या बता रही थी, एक बार मैम ने हम लोग को भी डांटा था कि नीचे पहन के मत आया करो, मतलब हमारा जो फ्लोर होता है, अपना जो फ्लोर होता है अपन वहाँ पर पहन के घूम सकते हैं। और सब मतलब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप किसी के सीनियर्स जो हैं थोड़े अच्छे होते हैं तो वो सब पहनने देते हैं, बाकी किसी अगर ज़्यादा डेंजरस सीनियर अगर मिल गए तो वो बहुत परेशान करते हैं। हमारे सीनियर्स काफ़ी अच्छे थे। हाँ पर ये होता है कि स्टार्टिंग में मतलब हमको एक लिस्ट मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उस पर क्या क्या लेके आना है, क्या मतलब जितना भी है बुक्स उस पर, तो यहाँ तक ये भी लिखा होता है कि एक सेटअप आपको साड़ी का लेके आना है एंड सूट सलवार सूट रुमाल मतलब सब कुछ लिखा होता है। तो ये हमारे कॉलेज से तो हमको मिली थी ये लिस्ट, पर हाँ हमने रख के भी लाया था एक दो सूट, बहुत सारे लोगों के पास सूट नहीं था जैसे कि मेरे पास भी नहीं था, तो फिर हम लोगों ने सूट बनवाए थे उसके बाद लेके आए थे। बट जब हम लोग यहाँ पे आए तो हमें पता लगा कि सलवार सूट पहनना कंपलसरी नहीं है, आप अगर हॉस्टल पे रहते तो हॉस्टल टाइम पे आप लोअर टी शर्ट भी पहन सकते हैं। हाँ बट इसके अलावा अगर आप कॉलेज में जाते हैं या कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो फिर वहाँ पर आपको सूट ही पहनना पड़ता है। एंड इसके साथ ही रही बात आउटिंग की, तो आउटिंग जो है हमारे कॉलेज में तो सैटरडे और संडे को मिलती है, बाकी कॉलेज का तो मतलब बाकी सभी कॉलेज के अपने अपने रूल्स होते हैं। बाकी हम लोग भी जब आए थे न्यू थे यहाँ पे स्टार्टिंग, तो लगभग हम लोग को 4 मंथ तक आउटिंग नहीं मिली थी, उसके बाद हम लोग को आउटिंग जो है मिलनी स्टार्ट हो गई थी। एंड हाँ इसके साथ ही क्या हुआ था कि जब हम लोग का एडमिशन हुआ था तो हम लोग के मतलब फैमिली से 4 या 5 मेम्बर्स मतलब 4-5 लोगों की फ़ोटो यहाँ पर ली गई थी और साइन वगैरह करवाया गया था कि हमको सिर्फ उनसे ही मिलने दिया जाएगा। बट ये सब मतलब स्टार्टिंग में किया जाता है, उसके बाद अगर आपके मतलब फैमिली से कोई भी है, फैमिली फ्रेंड कोई भी, तो आप मिल सकते हैं। और मिलने का भी सभी कॉलेज में मतलब टाइम सेट होता है, जैसे हमारे कॉलेज में सैटरडे और संडे को मिल सकते हैं ऐसा है, बट अगर अदर डेज भी अगर कोई आता है तो भी हम उनसे मिल सकते हैं। और मिलने के लिए कॉलेज में एक गेस्ट रूम भी होता है जहाँ पर हमारी फैमिली से जो भी आता है वो रुक भी सकते हैं। एंड इसके साथ ही जो मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब ये करना है वो करना है, हमें वैसे करना भी होता है, तो स्टार्टिंग में हमें ये सारे रूल्स बहुत मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है क्योंकि हमारे सीनियर्स भी होते हैं। और मैं तो बता दूँ हम लोग की रैगिंग भी हुई थी स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे, वो भी तगड़ी वाली। और मैं अपना बता दूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं ना हंसती बहुत ज़्यादा हूँ, किसी भी बात पे मुझे बिल्कुल ही ऐसे करके मेरे दांत निकल जाते हैं। तो हुआ क्या था, असेंबली थी तो वहाँ पे दीदी ने कुछ बोला और मतलब जो सीनियर्स होते हैं ना वो ऐसे ऐसे वर्ड बोलेंगे कि तुमको हंसी आएगी ही, तुम नहीं कंट्रोल कर पाओगे। और जैसे ही तुमने हंसा और तुम्हारी फिर खिंचाई हुई स्टार्ट, तो मैंने हंस दिया था, मुझे बहुत डांट पड़ी थी। और मतलब काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग तरीके से रैगिंग होती है, किसी को डांस करवाया जाता है, किसी सिंगिंग करवाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी आप अपने कॉलेज में जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी हाँ उतना ज़्यादा नहीं होता है, सब कुछ स्टार्टिंग में ही होता है, बाद में सब कुछ नॉर्मली चलने लग जाता है। और रही बात सलवार सूट की, तो स्टार्टिंग में बस हम लोग के कॉलेज में तो हम लोगों ने दुपट्टा लिया था। और हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जिस कॉलेज में जाएँ वहाँ पर आपको मतलब लोअर टी शर्ट पहनने दिया जाए, हो सकता है कि आपको सूट पहनना पड़े। मतलब ये सब जो रूल्स हैं आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं वो डिसाइड करेंगे, तो आपके सीनियर्स आपके साथ जो भी करवाना चाहते हैं आपसे वो सब करवाएंगे। और बाकी तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपको प्रॉपर आउटिंग भी दी जाती है। हाँ आपको स्टार्टिंग में नहीं दी जाएगी, पर आउटिंग आपको प्रॉपर दी जाती है, मतलब वीक में कोई एक डेट डिसाइड होता है उस दिन आप आउटिंग पे जा सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपकी फैमिली से कोई भी आता है तो आपको मिलने भी दिया जाता है। एंड इसके साथ ही मतलब ये जो सूट वूट वाला सिस्टम है ये तो नहीं होता, पहले होता रहा होगा, बाकी अभी नहीं होता है। और हो सकता है कि आपके सीनियर्स आपको स्टार्टिंग में बोले तो शायद वो करना हो सके।
हाँ बाकी एक चीज़ है, पूरे टाइम अपने बालों में ऑयलिंग करके रखनी होती है स्टार्टिंग में, नेल्स वगैरह सब छोटे छोटे रखने होते हैं, हम तो स्टार्टिंग में अपने बालों में पानी लगा के चले जाते हैं जब चेकिंग होती है। और हाँ, इसके साथ ही आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम सीनियर्स को विज़िट करना होगा, मतलब अगर आपको कोई सीनियर्स दिख जाता है रास्ते पे, अगर आपको कोई मिल जाता है, अगर मॉर्निंग का टाइम चल रहा है तो गुड मॉर्निंग दीदी, अगर 10 दीदी आपको एक साथ दिख जाती हैं तो 10 को बिल्कुल सर झुका के गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी ये करना होता है। एंड इसके बाद ही अगर 2 मिनट के बाद आप वापस लौटते हैं और वही 10 दीदियाँ आपको फिर से दिख जाती तो आपको फिर से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा होता है, ये तो करना ही पड़ता है, फिलहाल हम अभी भी करते हैं ये सब, बट स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होता है। और यदि गलती से भी किसी ने विश नहीं किया, कोई विश करना भूल गया, मतलब कि सारे के सारे सीनियर्स मिलके शाम को तुम्हारी क्लास लगा देंगे, तो फिर ये सब करने के लिए भी रेडी रहना। और बाकी सब ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई दूँ।